एज यूजुअल आपको पता है हम टैक्सेस ऑडिट और फाइनेंस की जो सेशन है वो करते हैं, तो आज हमने कोशिश की है तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करें, क्वेश्चन आंसर जो है वो हम शेयर करेंगे। तो पहला जी मैं टाइप करता हूँ कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो मेरा जो क्वेश्चन है कि अगर जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है इसके बारे में होगा। चलिए बाकी तो आप रिकॉर्डिंग हो जाएगी कि ये पहला जी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसमें चार पांच क्वेश्चंस हैं मोटे मोटे, वो क्या है, ये कौन बनाता है, कब बनाता है और कैसे बनाता है। ठीक हो गया जी, ये तीन मोटी चीजें, अगर आपको ये पता लग जाएंगी तो आपको कोई भी टॉपिक करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। कौन बनाता है, जो क्लाइंट ऑफ द टैक्स पेयर है वो बनाता है, बैंक भी बना सकता है, आप भी बना सकते हैं, वो भी अपनी बनाते ही होंगे, उनके भी कहीं बैंक होंगे, यानी स्टेट बैंक ऑब्वियसली उनको पैसे देता है या किसी और बैंक से वो कंसोर्शियम लोन में ले लेते हैं। नंबर वन, कब बनाते हैं, आप किसी वक्त भी बना सकते हैं, डेली बेस पे, वीकली बेस पे, मंथली बेस पे, हाफ ईयरली बेस पे, जब आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। दो बातें हो। अब तीसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो पार्ट है इसका, कि इसको बनाना कैसे है। वैसे किताबों में दो फार्मूले हैं जी आपके, आपको पता है, एक पहले आप कैश बुक एडजस्ट करेंगे जिसमें बैंक कॉलम होगा, आप बैंक का लेजर बना रहे होते हैं, मसलन मेरा HBL में अकाउंट है तो मैं HBL की रिकंसिलिएशन बनाऊंगा, या MCB में है तो MCB की बनाऊंगा, और आपका नाम बैंक के पास होगा, यानी आपका नाम अगर ए है तो बैंक ए का अकाउंट बनाएगा और आप HBL का या MCB का अकाउंट बनाएंगे, पहले तो ये बात होगी। अब अगला सवाल ये है कि मैंने कैसे पता लगता है कि मुझे बैंक रिकंसिलिएशन की जरूरत है, अगर जो आप कर रहे हैं वही बैंक कर रहा है और जो बैंक कर रहा है वो आप कर रहे हैं, तो फिर तो कभी फर्क ही नहीं आएगा, सीधी सी बात होगी, फिर तो टैली होगा। मैंने अगर 10 लाख लेना है तो उसने मुझे 10 लाख देना है। आप इसको ना आसान कर लें, ये एक पार्टी लेजर की तरह होता है, जैसे आप पार्टी से सेल परचेज करते हैं तो आप पार्टी दूसरी पार्टी का अकाउंट बना रहे हैं, वो आपका बना रहे हैं, तो आपने एंट्रीज टैली करनी है कि इसमें कौन कौन से चेक्स हैं जो अनप्रेजेंटेड हैं या अनकलेक्टेड हैं, या कौन कौन से चार्जेज हैं जो बैंक ने चार्ज किए और आपने नहीं लिए, या कौन सी रिसीट है जो आपने ली और उसने नहीं ली, यानी तमाम एंट्री जब आपकी टैली हो जाएंगी तो फिर आपका बैलेंस एक दूसरे का टैली होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आपका रिसीवेबल होगा, अगर आपका पेएबल है, ओडी लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो उसका रिसीवेबल होगा, ऐसे भी हो सकता है। सिर्फ बैंक का मतलब सिर्फ डेबिट बैलेंस नहीं होता, वो क्रेडिट भी हो सकता है। अब जो आपने लेना है वो बैंक ने आपको देना है, और जो उन्होंने आपको देना है वो आपने लेना है, सीधी सी बात है। अब आप तमाम एंट्रीज को टैली करेंगे। बुक्स में दो तरीके हैं, पहले आप कैश बुक बनाए उसको एडजस्ट करें, यानी जो चार्जेस या जो रिसीट एंड पेमेंट एक्चुअली है जो आपने रियल बेसिस पे है वो आप उसकी कैश बुक में जिसने जाना है या निकलना है वो एंटर करें, और जो रिकंसिलेशन आइटम है रिकंसिलेशन में जनरली फिर दो बच जाती हैं, अगर आपने अनप्रेजेंटेड या अनकलेक्टेड चेक्स है, यानी मैंने अगर एक चेक फर्ज कर इशू किया है, मैंने तो बुक्स में डाल दिया कि मैंने ए को 10 लाख दे दिया, लेकिन उसने चेक प्रेजेंट ही नहीं किया, और आपको पता होना चाहिए 6 महीने तक चेक प्रेजेंट हो सकता है, तो वो अगर बंदा प्रेजेंट नहीं कर पाया, मेरी बुक्स में से पैसा निकल गया है लेकिन बैंक में वो अभी आया ही नहीं, तो बैंक आपका बैलेंस ज़्यादा शो कर रहा होगा, मैं अपना काम कर चुका, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक आपको कंसिलेशन में डालना पड़ेगा टैली करने के लिए, लेकिन एक्चुअली मैं पेमेंट कर चुका हूँ, मैंने चेक दे दिया लेकिन उसने बैंक से जाके कलेक्ट नहीं किया, इसे अनप्रेजेंटेड चेक कहते हैं। इसी तरह आपको एक चेक रिसीव हुआ, उसने जो आपको चेक आया आपने आपने बुक्स में डाल लिया कि मुझे पैसा आ गया है, लेकिन आपका चेक या तो डिपॉजिट नहीं हुआ, और अगर डिपॉजिट है तो वो क्लियर नहीं हुआ, तो अब बैंक आपको कम बैलेंस शो कर रहा होगा, आप ज्यादा शो कर रहे होंगे, तो फिर आपको अनकलेक्टेड जो चेक्स है वो रिकंसिलिएशन में डालने पड़ेंगे, यानी अपने बैलेंस को आपको कम करना पड़ेगा, या बैंक के बैलेंस। अब दो तरीके होते हैं, मैं अपने बैलेंस से शुरू करके बैंक के बैलेंस पे पहुंच जाऊं, या बैंक के बैलेंस से शुरू करके अपने बैलेंस पे ले आऊं, तो आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज इन आउट नहीं हुई होगी। इसी तरह अगर बैंक ने बैंक चार्जेस आपको चार्ज किए हैं, आपने नहीं लिए, आपको नहीं पता, जब मंथली जब बैंक स्टेटमेंट आई तो आपको पता लगा उसने
5,000 जी आपके बैंक चार्जेस है, वो चेक बुक है, कमीशन है, जो भी आपने पे किया FED सारा वो आ रहा है, तो आप उसको अपनी बुक्स में डेबिट करेंगे, जहरी बात है। अब जो चीज आप डेबिट कर रहे होंगे वो बैंक क्रेडिट कर रहा होगा, और जो चीज आप क्रेडिट कर रहे होंगे वो बैंक डेबिट कर रहा होगा, तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट में जो एंट्रीज आ रही होती हैं आपने अपनी बुक्स में उसकी इनवर्स एंट्री डालनी होती है। उसकी वजह यह है जो उसकी पेमेंट है वो मेरी रिसीट है, जो मेरी रिसीट है वो उसकी पेमेंट हो जाएगी। सो इसलिए ये जरा कुछ पॉइंट्स थे जो बैंक रिकंसिलिएशन से कनेक्टेड थे, ये आपसे शेयर कर रहे हैं। ये पहला हो गया जी। दूसरा सवाल है जी सेल टैक्स। हाउ टू ट्रीट सेल्स टैक्स जी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बल्कि इसका नाम हम रख देते इंप्लीकेशंस रिलेटेड टू सेल्स टैक्स, आसान हो जाएगा, सारी चीजें कवर हो जाएगी। इंप्लीकेशंस रिलेटेड टू सेल्स टैक्स, बस ये सारी चीजें कवर कर जाएगा। ले जनाब ये मैंने लिख दिया, अब करना क्या है पहले आप सुन लें, फिर इसके ऊपर आपको चीजें समझ आ जाएंगी। देखिए सेल टैक्स में दो चीजें जब तक आप नहीं समझेंगे आपको चीज क्लियर नहीं होगी। एक है आपकी, इसको लॉ कहता है, सेल टैक्स लॉ कहता है इनपुट टैक्स, और एक को वो कहता है आउटपुट टैक्स। अब इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं, जब आप चीज खरीदेंगे तो आपने सेल टैक्स दिया है तो इसको इनपुट टैक्स सेल टैक्स कहा जाता है। अब वो बिजली है, परचेजेज है, स्पेयर्स है, केमिकल्स हैं, फिक्स एसेट्स है, कोई भी चीज़ आपने खरीदी है अगर आप उसके ऊपर सेल टैक्स पे करके आए हैं तो वो उसको इनपुट टैक्स सेल टैक्स कहते हैं। आपने एंट्री क्या डालनी है, पार्टी को परचेजेज को आप डेबिट करेंगे, परचेजेज डेबिट, सेल टैक्स रिसीवेबल डेबिट, और टू पार्टी या बैंक जो भी है, क्रेडिट पे है तो पार्टी को क्रेडिट कर दे, अदरवाइज आपका बैंक या कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये आपने एंट्री डाल दी। अब यानी मैंने पैसे दूसरी पार्टी को पे कर दिए सेल टैक्स की मद में। अगर फर्ज करें 1,00,000 की चीज थी, परचेजेस में 1,00,000 आएगा, सेल टैक्स रिसीवेबल 17% है, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड रेट है, 1,17,000 रुपए से ये क्रेडिट हो जाएगा, तो ये आपका सेल टैक्स का रिसीवेबल बैलेंस जो है वो स्टैंड करेगा। अब मैं इसको, जहरी बात है अगर तो मैं खुद कंज्यूम कर गया हूँ, अगर आप फाइनल कंज्यूमर हैं तो सेल टैक्स का इनपुट नहीं आपको मिलेगा, वो कॉस्ट में चला जाएगा। मसलन आप घर में बिजली इस्तेमाल करते हैं, आपने पे करना है, वो बिजली की कॉस्ट में चला गया सेल टैक्स। आपने गाड़ी खरीदी, सेल टैक्स पे किया, आपने आगे नहीं बेची, आपका इनपुट आपकी कॉस्ट में चला गया। देखें सेल टैक्स का दूसरा नाम क्या है, इसको कंज्यूमर टैक्स भी कहा जाता है, कंजम्पशन टैक्स भी इसको कहा जाता है, यानी ये अल्टीमेट कंज्यूमर ने पे करना होता है, यानी जो चीज इस्तेमाल करेगा या सर्विसेज इस्तेमाल करेगा वो पे करेगा, उसको पैसे नहीं वापस मिलेंगे, क्योंकि अगर उसको भी मिल गए तो फिर स्टेट को पैसे कौन देगा, अल्टीमेट कंज्यूमर देगा। आप पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, बिजली करते हैं, गैस करते हैं, थर्ड शेड्यूल आइटम है, टूथपेस्ट है, प्रिंटेड प्राइस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, जहां जहां सेल टैक्स FED जो जो लगा हुआ है वो आप पे कर रहे हैं, वो बिल्ट इन होके चीजें आ रही। ये तो हो गया इनपुट। अब अगर मैं उसको, अगर तो मैं फाइनल कंज्यूमर हूं तो आपने सेल टैक्स की फिर एंट्री नहीं डालनी, फिर सेल टैक्स आपकी परचेजेस में चला जाएगा, फिर आप डेबिट करेंगे परचेजेस टू कैश या पार्टी 1,17,000 पूरा, यानी विद सेल टैक्स। तो ये भी आपने देखना है कि क्या मुझे इसका इनपुट बाद में मिलना है कि नहीं मिलना, अगर नहीं मिलना तो वो कॉस्ट में चला गया, और अगर मिलना है या एडजस्ट होना है तो फिर सेल टैक्स की एंट्री जो पहली मैंने आपको बताई वो आप पास करेंगे। अच्छा अब आगे क्या हो गया, अगर मैंने अपने लिए रख लिया तो फिर तो बात खत्म हो गई, वो मेरी कॉस्ट में चला गया, नंबर वन। नंबर टू, मैंने बेच दिया, मैंने वो चीज़ पकड़ी, जैसे लोग करते हैं मैन्युफैक्चर करके परचेज करके बेच देते हैं, अगर मैंने बेचा तो अब मैंने क्या करना है,
अच्छा इनपुट की एंट्री यही होगी तमाम चीजों के लिए, चाहे वो केमिकल्स हैं, स्टोर्स हैं, स्पेयर्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं। हाँ, फिक्स एसेट में परचेजेस की जगह फिक्स एसेट डेबिट हो जाएगा, फिर परचेजेस परचेजेस होती है जो आपने आगे जनरली बेचनी होती। अच्छा, अब मैंने बेच दिया, दो ही ऑप्शन है, या मैं अपने पास रख लूँ या मैं बेच दूँ। अगर मैंने अपने पास रखा तो मेरी कॉस्ट का हिस्सा बन गया और इनपुट नहीं आपको मिलेगा, और अगर मैंने इसको बेच दिया तो फिर क्या होगा? जब मैं बेचूंगा तो फिर मैंने एंट्री डालनी है, पार्टी डेबिट होगी, सेल्स क्रेडिट होगा और सेल टैक्स पेबल जो है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि आपने लोगों से पैसे लेके स्टेट को वापस करने हैं, ये आपके पैसे नहीं है। अब फर्ज करें आपने 2 लाख में चीज बेची, 2 लाख आपका सेल्स में जाएगा, 17% अगर उस पर स्टैंडर्ड रेट है तो मेरा ख्याल है 34,000 बनेगा, ठीक है, ठीक है, तो ये बन गया 2,34,000 से पार्टी डेबिट हो जाएगी। अच्छा, जब आप ये एंट्रीज पास कर लेंगे तो क्या होता है कि मंथ एंड पे ना जल्दी हम सेल टैक्स का एक लेजर बनाते हैं। अब आप सेल टैक्स का एक लेजर बनाएं, उसमें डेबिट साइड पे आपका आ रहा होगा 17,000 और क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा 34,000। इसका मतलब है कि आपने 17,000 ज्यादा कलेक्ट कर लिया लोगों से जो आपने स्टेट को मंथ एंड पे जमा कराना, ऐसा ही है? जी सर। सही हो गया ना? अभी फिलहाल ये सेल टैक्स का पहला आपके लिए पॉइंट कि अगर आपने एंट्रियां कैसे पास करनी है और किन चीजों को ध्यान में रखना है, फिर आपका कोई सवाल होगा तो वो आपका ले लेंगे आप। अगर कोई आप क्वेश्चन करना चाहे अभी तक तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, चले आगे मिस सीमा, चले। हाँ जी मिस, चले। तीसरा हमने बात की थी, आप एक हॉट सीट है, फाइनेंस की सीट है, आप अकाउंट्स मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, वट एवर यू आर, फाइनेंशियल कंट्रोलर हैं, डायरेक्टर फाइनेंस हैं, तो आपके पास रिसीवेबल और पेबल्स के लेजर आ गए। भाई जारी बात है, लोगों से पैसे लेने भी हैं और देने भी हैं। अगर तो आप कैश में सेल परचेज कर रहे हैं फिर तो पार्टी लेजर नहीं आएगा। जहां पे क्रेडिट पे सेल परचेज होगी वहां पे पार्टीज के लेजर आएंगे। जब पार्टीज के लेजर आएंगे तो आपने, आप किसी से पैसे लेने हैं तो आप उसको फोन करेंगे ना, भाई पैसे दो, या आपका रिकवरी डिपार्टमेंट फोन करेगा, वो कहेगा जी बताएं कितने पैसे, आपने कहा जी 16 लाख, उसने कहा भाई मेरी बुक्स में तो 2 लाख आ रहा सारा, तो आपने कहा जी फिर आप अपना लेजर देना हमें जो आपने वाला मेंटेन किया, उसको फिर अपने लेजर से टैली करें और चेक करें कि कौन सी एंट्रीज आपने छोड़ी और कौन सी उसने छोड़ी, बिल्कुल बैंक रिकंसिलेशन की तरह, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। क्योंकि कई दफा आपने पेमेंट नहीं एंटर की होती, कई दफा उन्होंने नहीं की होती, या आपने गलत एंटर की है, उसने गलत एंटर कर दी है, तो सारी चीजें टैली करके तो तब आप पार्टी को उससे पैसे लेंगे भी, अगर लेने हैं तो लें और अगर देने हैं तो उसको दे दें। तो ये पार्टी लेजर को भी जरा ध्यान में रखिएगा, ये वही होता है जहां क्रेडिट की सेल और सिर्फ रिसीवेबल पे नजर नहीं रखनी, पेबल पे भी नजर रखनी है, बिजली के बिल की ड्यू डेट रखनी है आपने, सैलरीज की ड्यू डेट रखनी है, ताकि आप विद इन ड्यू डेट, क्योंकि अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, सरचार्ज पड़ जाएगा ऊपर, पेमेंट पड़ जाएगी आपको ऊपर, ज्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। ये आपका था जी तीसरा सवाल। चौथा क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है जो शेयरिंग आप कर रही है, अगर आप अकाउंट्स बना रहे हैं और आपने जब अकाउंट्स बनाए तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है बेसिकली वो आउट हो गया, किसी अमाउंट से भी वो टैली नहीं हो रहा। पहली बात तो ये कि ट्रायल बैलेंस सिर्फ ये साबित करता है कि आपने अमाउंट्स जो एंटर की हैं उन अमाउंट्स के मुताबिक डबल एंट्री मुकम्मल है, लेकिन ये उसकी ऑथेंटिकसिटी नहीं होती कि एंट्रीज ठीक है। अगर आपने 1 लाख की जगह 10 लाख लिख दिया तो डबल एंट्री तो फिर भी पूरी रहेगी, और अगर 10 लाख की जगह आपने 2 लाख लिख दिया कैपिटल क्रेडिट तो डबल एंट्री तो पूरी रहेगी, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी, वो इनवाइस कह रही होगी आपने 10 लाख की परचेज की है, आपने 1 लाख की परचेज एंटर कर दी, तो 9 लाख रुपए से आपकी परचेज आउट हुई हुई है भाई, ट्रायल बैलेंस फिर भी टैली है। चले और भी है, कंपनसेटिंग एरर भी है, एक अमाउंट 1 लाख से कम डेबिट हुई, क्रेडिट भी 1 लाख से कम होगी कहीं, तो वो कंपनसेट हो गया आपस में, टैली तो वो फिर भी हो जाएगा। सो ट्रायल बैलेंस सिर्फ ये साबित करता है कि आपकी फिगर वर्क जो है, जो फिगर्स आपने डाली है किसी हद तक उनकी डबल एंट्री पूरी है, लेकिन वो फिगर्स की वेरिफिकेशन नहीं करता, वो आपने करनी है कि आपकी फिगर डॉक्यूमेंट से मैच करती है या नहीं करती। अब अगर आपका ट्रायल बैलेंस आउट है तो आपने करना क्या है, आप कुछ टेस्ट है वो अप्लाई करें,
आप कोशिश करें कि तमाम बैंक्स टैली करें, चेक करें। उसके बाद आप, अगर आपका डिफरेंस 9 पे तकसीम हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने 19 को 91 लिख दिया, आपने फिगर, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोजिशन एरर में जब आप फिगर्स को आगे पीछे करेंगे तो जो डिफरेंस होता है वो 9 पे तकसीम हो जाता है। फिर अगर आप ये चेक करें, जिससे आपका फर्ज करें आपका ट्रायल बैलेंस 10 लाख से आउट है, तो आप उस फिगर को ट्रेस करें, हो सकता है कोई 10 लाख आपने गलत मिस कर दी हो या एंटर ही ना की हो आपने, वो चेक करें। फिर उस डिफरेंस का हाफ करके चेक करें, ठीक है, फिर उसका डबल करके देखें, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके हैं इससे पहले कि आप लॉन्ग रूट इस्तेमाल करें, वो शुरू से आए और एंड तक जाए, कुछ शॉर्टकट लगा के देखें कि आपने ये तो नहीं परचेज को क्रेडिट कर डेबिट करने की वजह क्रेडिट कर दिया हो, सेल्स को क्रेडिट करने की वजह डेबिट कर दिया हो, तो कोई एरर ऐसा तो नहीं जी अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड है और जल्दी आपका डिफरेंस निकल जाए। लेकिन अगर वो नहीं निकलता, वैसे तो आपको पता है आजकल मशीन चलती है, सिस्टम में के अंदर सारा कुछ है, आप डबल एंट्री डालते जाएं, आपने सिर्फ एंट्री डालनी है, रिजल्ट वो खुद ही बताएगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपको पता है कि मशीन चलती कैसे है उसका। अगर सिस्टम, अगर आपको मैनुअल अकाउंट्स बनाने पड़ गए तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप तो मशीन के मुताज हो जाएंगे। सो पहले मैनुअल सीख ले, मशीन वाला तो बड़ा आसान है, वो एंट्री डालते जाए रिजल्ट खुद ही बना देगा। नेक्स्ट है जी, मेरे पास बड़ा अच्छा पॉइंट आ रहा है, बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वैसे तो सारे ही हैं, ये उनमें से एक है। अगर अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई मुझे ना आपने मैंने आपको कहा मिस मुझे ना मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दो, आपने सवाल नहीं करना मुझसे, आपने मुझे जवाब देना है। मैं आपको बता नहीं रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे ना आपने क्लोजिंग स्टॉक बना के देना है। अब आपको कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको चेक करके तो आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। लेकिन पहली बात तो ये दो तरीके होते हैं, इसे एक है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, एक है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। दायमी, देखिए परपेचुअल का नाम ही दायमी है, वही वाला ज्यादा यूज होता है। सो जो पीरियोडिक है उसमें क्या होता है, जस्ट लोग स्टॉक टेक करते हैं, जितना पड़ा हुआ है उसको काउंट फॉर कर लेते हैं। लेकिन सवाल यह कि अगर कोई स्टॉक इसमें से इन नहीं हुआ या उसमें से मिस अप्रोप्रिएशन हुई है तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए बुक्स के थ्रू भी निकालना है, इनवाइसिस के थ्रू आप अपनी क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन बनाएंगे। आपको पता होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग, लेस आपका कंज्यूम्ड, तो क्लोजिंग स्टॉक आपके बाहर बाहर आ जाएगा। यानी मेरे पास अवेलेबल कितना था, मैंने कितना कंज्यूम्ड और बेच दिया है, और एंड पे मेरे पास क्या बच गया है, ये क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन है। फिर आपको देखना यह कि आप मेथोडोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं, फाइफो या वेटेड एवरेज कौन सा मेथड लगा रहे हैं, उसके मुताबिक आप अपने उसको रेट्स आपने डालने हैं यानी चार्ज करने हैं। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक की तरीका ये होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे लिया जाता है। सो आपने फिर उसको रेट्स निकालने हैं तो आपको आपका क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। अब आपने उसको जो बुक्स के थ्रू निकाला है उसको फिजिकली भी चेक करना है, इसलिए लोग आपने सुना होगा ऑडिट फर्म वाले स्टॉक टेक करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जो रिकॉर्डिंग ऑडिट के दौरान जो रिकॉर्डिंग हुई थी या होगा जब ऑडिट, तो फिजिकल स्टॉक जो शीट बनेगी वो दोनों मैच भी करते हैं कि नहीं करते। अब बुक्स में आ रहा है जो मैंने बुक्स से निकाला है वो 2 करोड़ है, जो मैंने उधर से निकाला है पता चला वो 19 मिलियन का है, तो ये 10 लाख का जो फर्क है ये किधर गया भाई, चोरी हो गया, एंट्री को गलत हुई है, अंडरस्टेट किया है, ओवरस्टेट किया है, आपको पता लग जाएगा। तो दिस इज वाई के परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को यूज किया जाता है, यानी बुक्स में से भी निकाला जाता है यानी कितना इन हुआ कितना आउट हुआ वो। और क्या मेरे पास, देखे ना मैंने 100 कंप्यूटर खरीदा है, अज्यूम कर लेते हैं मेरी लैपटॉप की शॉप है, मेरे पास 100 लैपटॉप है जो मैंने परचेज किए हैं पूरे साल में, और पिछले साल मेरे पास जो अनसोल्ड थे वो थे, या पहला साल होगा तो नहीं होंगे, अगर दूसरा साल या ऑनवर्ड है तो ओपनिंग भी अगर को बचा होगा तो पिछला क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, मेरे पास पीछे यूनिट पड़े हुए थे या जीरो होगा, अगर पड़े हुए थे आप कहते जी 50 पड़े हुए थे, 100 मैंने और खरीदे, मेरे पास 150 हो गया, उसमें से मैंने 90 बेच दिए, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक यूनिट पड़े होने चाहिए, ये बुक्स कह रही है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ वो 60 स्टॉक के यूनिट कितने भाई, जब आपने फिजिकली काउंट किए तो पता लगा वो रह गया 40, वो मैंने कहा भाई बाकी 10 किधर है, वो जी असल में सेल हो गए थे हमने एंट्री नहीं डाली, तो डाले फिर सेल,
दिखाएं भाई, और उसके पैसे किधर है और किधर आउट हुआ। तो फिजिकली भी टैली करना है और बुक्स में से भी टैली करना है। इसको कहते हैं परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। आपके हो गए जी पांच। छठा क्वेश्चन आज का प्रैक्टिकल है जो मेरे पास है, जो नोट डाउन हुआ है, वो ये है कि अगर आप का एम्प्लॉयर ये कहता है जी मुझे आप मंथली अकाउंट्स बना के दें, आप अकाउंटेंट है ना, तो दे ना मुझे रिजल्ट, दे इस मंथ में यानी फरवरी के महीने का मुझे आप बना के दें, अकाउंट्स बना के दें, देन व्हाट यू विल डू, अब क्या करेंगे। आपने तमाम एंट्रीज को पकड़, पहले तो सबसे पहले आपने, अगर आप फर्ज करें अभी मैं साल का पहला महीना ले लेता हूँ, जुलाई 2020 कर लेते हैं, चले जून में आपने क्लोजिंग की पिछले साल की, पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा वो अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा, वो जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है वो आगे चले जाएंगे, वो आपने उनके बैलेंसेस आगे लेके आने होते हैं, वो पकड़ेंगे। फिर आपने जुलाई में जो ट्रांजेक्शन की उनकी डबल एंट्री पास होगी, देखिए बैलेंस शीट में डबल एंट्री मुकम्मल हो चुकी होती है, वो टैली हो गया है आपके पास। अब जो डबल एंट्री जितनी परचेज सेल्स देखना क्या क्या है, बैंक्स सेल परचेज खर्चे अक्रूवल्स जितने रिसीवेबल पेबल्स हैं उस मंथ के जो बनते हैं वो आपने उसके अंदर अकाउंट फोर करने हैं। तो आप क्या करेंगी फिर 31 जुलाई पे आपने अपना एक ट्रायल बैलेंस उठाना है, जारी बात है पोस्टिंग सारी होगी, लेजर बनेंगे, आप मैनुअल जो ट्रायल बनाती है वो बनाएगा, उसके बाद उसके वो अकाउंट्स भी बना के देता है, अगर मैनुअल नहीं बनाए अब बनाने हैं तो मैनुअल पहले देखें कैसे बनते हैं। तो फिर आपके पास फिर आपने 31 जुलाई का स्टॉक भी लेना है, अक्रूवल्स भी डालनी है, रिसीवेबल पेएबल तमाम इनवॉइसेस को अकाउंट फॉर करना है, तमाम बैंक की एंट्रीज को भी कवर करना है, चेक करना है आपने, ठीक है। खाली बैंक नहीं बल्कि आपने असल में आपकी बैंक बुक लिखी जाती है चेक बुक में से, मैंने 50 चेक इशू किए एक बात कर रहा हूं महीने में, तो क्या वो 50 के 50 बैंक में आ रहे, बैंक तो उतना ही शो करेगा जितना निकला है वहां से, लेकिन मैं तो पूरे निकाल रहा हूं, मैंने 50 बंदों को हर एक को अलग अलग चेक दिया, सारे बंदे मुझसे पैसे ले गए, तो क्या सारे चेक प्रेजेंट हो गए, हो सकता है कुछ ना प्रेजेंट हुए हो, तो आपको चेक करना है कि ये तमाम एंट्रीज बैंक में से निकल गई हैं, जितने आपको चेक आए हैं जो आपको मिले हैं आपने अपनी बुक्स में एंट्री की है। अच्छा कुछ पार्टियां डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगी, आपको नहीं पता होता, अगर आपने मैसेज नहीं रखा हुआ है अगर आपने मैसेज की फैसिलिटी, तो क्या उसकी एंट्री लेजर में बुक्स में डाली है आपने, हो सकता है आपने डाली ना हो, तो भाई ये पैसा कहाँ से आया, फिर आप बैंक से पूछेंगे तो भाई ये पैसा किसने दिया, बता देंगे वो आपको या पार्टी बता देंगे, उसको अकाउंट फोर करें। सो दोनों को टैली करने के लिए आपने अपनी एंट्रीज को भी लेके आना है और उसकी एंट्रीज को भी सामने रखना है, लेकिन एक्चुअली जो बैंक अकाउंट आपका बनता है वो आपकी अपनी डिपॉजिट स्लिप और अपने चेक्स में से बनता है, फिर आप बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं फिर आप टैली करते हैं। तो ये आपने तमाम एरियाज को कंसिडर करते हुए तमाम फैक्टर्स को, और ये ज़हन में रखना है कि रियल अकाउंटिंग सिस्टम अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम ही है, अगर कोई सेल हुई हुई है या परचेज हुई हुई है, पैसा नहीं आया या पैसा नहीं गया, या बिल ड्यू है लेकिन पे नहीं हुआ, उसकी अक्रूवल्स आपने डालनी है, वरना आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट आउट हो जाएगा, ये भी जेन में रखिएगा। तमाम एंट्रीज को अकाउंट फोर करते हुए फिर ये रिजल्ट निकलेगा। ये आपका जी आज का 6 सवाल हो गए जी। 7th क्वेश्चन है, अल्टीमेटली वो आपसे मांगेंगे अच्छा जी आपने अकाउंट्स बनाए हैं मुझे एक एनालिसिस रिपोर्ट भी बना के दो। फिर आप क्या करेंगी, आप ये कर सकती हैं, अगर मंथली अकाउंट्स आप बना रहे हैं तो जुलाई या जून जो भी आपका जिस मंथ का भी आपने एनालिसिस करना है एक तरफ करंट मंथ रख ले, एक दो पिछला महीना रख ले, उससे कंपेयर कर ले, आपको पता लग जाएगा प्रॉफिट बढ़ रहा है कम हो रहा है, रिसीवेबल बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, पेबल कम हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, आप अपनी इंडस्ट्री एवरेजेस से भी एनालिसिस कर सकती हैं, इंडस्ट्री जैसे अगर आपका सीमेंट सेक्टर है तो सीमेंट वाले क्या बना, किस तरह उनका ग्रॉस प्रॉफिट और उनका एनालिसिस चल रहा है, ये जरूरी नहीं कि जो रिजल्ट्स आपके हों उनके भी वही हों, कोई पता नहीं है, क्योंकि वो स्केल ऑफ बिजनेस और नेचर और उसकी मैनेजमेंट हर चीज मुख्तलिफ होती है, हो सकता है आपके पास वो मशीनरी ना हो जो उनके पास है। चले फिर क्या होगा, सिमिलर इंडस्ट्री हो गई अपने से, और पिछले पिछले सालों से भी आप कंपेयर कर सकते हैं,
कि 2019 में आप कहाँ खड़े थे, 18 में कहाँ थे, 20 में कहाँ है, 21 में कहाँ है, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। सो एनालिसिस आप रेशो से भी कर सकते हैं, फिगर से भी कर सकते हैं, और इंडस्ट्री और प्लस अपने डेटे से भी कर सकते हैं। भाई देखो ना, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आप ऊपर जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, अब बना क्या रहे हैं, फिर क्यों बनाया आपने अकाउंट, फायदा क्या है उसका। अच्छा चले आगे चलते हैं। अच्छा फिर एक और चीज इसमें, एक और चीज ऐड कर लें, अकाउंट्स बेसिकली चार चीजों का मजमुआ होता है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू द अकाउंट्स, फिर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो नहीं आपने बोलनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूर बनाएं, उससे पता चलता है। तीन एक्टिविटीज वो बताता है आपको, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कहाँ कहाँ, अब क्यों, वो आपको ये बताएगा कि कहाँ से पैसा आया और किधर चला गया। इसको आप कैश बुक समझ लें आसान हो जाएगा, कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन आपने रिवर्स कर देनी है, सिर्फ कैश बेसिस पे कितना पैसा आया और किधर चला गया और एंड पे कितना पड़ा हुआ है। एंड पे आपका जो क्लोजिंग कैश का बैलेंस है, आपकी बैलेंस शीट के साथ टैली होगा, ओपनिंग ओपनिंग के साथ होगा और क्लोजिंग क्लोजिंग के साथ, तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने कहाँ मुझे मुझे पैसा कहाँ मेरा गया और कहाँ मेरा पैसा कहाँ से मुझे आया। क्योंकि हो सकता है ऑपरेटिंग से आपको लॉस वो शो आउटफ्लो शो कर रहा हो या इनफ्लो हो रहा हो, तो आपको पता लग जाएगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर है जी आपके पास मेरा सेवंथ था जी, एट्थ क्वेश्चन, एट्थ। अच्छा मैंने उधर टाइप नहीं किया, चलो रिकॉर्डिंग हो गई है, वो हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं। एट्थ अब क्वेश्चन जो मैं आपकी तरफ भेज रहा हूँ, उसका नाम है जी, मैंने जो लिखा हुआ है, अब बात कर लेते हैं इम्पोर्ट पे, थोड़ी बात कर लेते हैं। मैंने एक टेक्निकल जो है ना क्वेश्चन वो एंड पे रख लिया है, वो मैं सबको कवर कर रहा होगा। इम्पोर्ट के बारे में करना क्या है, देखें इम्पोर्ट को ना तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, पहला परचेज प्राइस, दूसरा उस पर ड्यूटीज, और तीसरा उसके क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। ये तीन हिस्सों में इम्पोर्ट है, और चौथा ये भी हो सकता है कि अगर आप उसकी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट भी आपको पड़ सकती है, अगर वो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वे तो बिक जाएगा, फिर स्टोरेज कॉस्ट डाल के ये एज इट इज आप भेज देंगे। सो बेसिकली तीन, ये तीन तो लाजमी होंगे, आपको परचेज प्राइस कितनी पे करनी है, यानी बाहर जो बंदा बैठा हुआ इनवाइस बेस पे जो प्राइस है, दूसरा आपने ड्यूटीज एंड टैक्सेस जिसमें कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वो पे करना है, और तीसरा आपने जब पोर्ट से या चीज़ें क्लियर करनी है तो आपको जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस हैं वो पे करने पड़ेंगे, और अल्टीमेटली चीज़ आपके पास आएगी या तो आप बेच देंगे या उसकी मशीनरी की इंस्टॉलेशन करके आगे से प्रोडक्शन शुरू करेंगे। ये डिपेंड करेगा आपके पास आया क्या है, उसने कहाँ जाना है, ये चार या इससे कम चीज़ों पर कंसिस्ट होगा। अच्छा वैल्यू कैसे निकालनी है, बाहर वाले को मैंने दिया 10 लाख रुपए, लेकिन कस्टमर वालों ने कहा कि आपने वैल्यू अंडरस्टेट की है, ये 10 लाख नहीं है, ये 30 लाख रुपए वैल्यू है, हमें 30 लाख वैल्यू पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस दे। तो आपको बिल ऑफ एंट्री में या गुड डिक्लेरेशन में दो चीजें नजर आएंगी, एक वैल्यू होती है डिक्लेयर्ड वैल्यू और एक होती है असेस्ड वैल्यू, यानी मैंने कहा जी 10 लाख, ये डिक्लेयर्ड वैल्यू है, उसने कहा नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, हमारी कस्टम रूल्स के मुताबिक इस चीज की प्राइस 30 लाख से कम नहीं है, आपने मुझे ड्यूटीज एंड टैक्सेस देने 30 लाख के ऊपर, उसको बेशक आप 10 लाख देंगे जिसने आपको चीज दी, मुझे ड्यूटीज एंड टैक्सेस 30 लाख के ऊपर चाहिए, तो आपने फिर असेस वैल्यू पे टैक्स निकालने हैं, ठीक हो गया। फर्ज करें ड्यूटीज एंड टैक्सेस बन जाते हैं 40%, सब कुछ डाल डोल के, तो 30 लाख का 40% आप देख लें 12 लाख रुपए, तो उतने की तो चीज नहीं है जितनी की ड्यूटीज पड़ गई आपको, 10 लाख की चीज है 12 लाख ऊपर पड़ गया, 22 हो गया। फिर आपने क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस पे किए 5 लाख रुपए के, अज्यूम कर ले तो लोडर के थ्रू मशीन आ रही है, रेंट रूंट सब दिया, फिर आपने उसको इंस्टॉल किया तो आपको 4 लाख और पड़, 5 और पड़ गया, तो आपने 10 लाख एक दिया, 12 लाख एक दिया और 5-5 लाख दो दफा दिया, 22 और 10, 32 लाख रुपए में चीज आपको पड़ी है। 10 लाख ले गया सप्लायर,
12 लाख लेगी स्टेट, 5 लाख क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट ले गया और 5 लाख इंस्टॉलेशन कॉस्ट, अगर होगी तो पड़ेगी, अगर नहीं है तो नहीं पड़ेगी, तो चारों को ऐड कर लो। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज पर्पस के लिए, वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस जिसकी एडजस्टमेंट या रिफंड आपको मिलता हो वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता, जो मर्जी चीज इंपोर्ट कर लो। अगर आपको कोई ड्यूटीज एंड टैक्सेस वापस मिलने हैं या एडजस्टमेंट मिलनी है तो वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता। मसलन आपको मैंने सेल टैक्स बताया, अगर आप फाइनल कंज्यूमर नहीं है तो वो सेल टैक्स आप कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, अभी आपने एंट्री पास की थी मेरे सामने। फिर इनकम टैक्स है, अगर आपको ऑब्वियसली आपने अपने लिए नहीं मंगवाई और इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट आपको मिलनी है या वापस मिलना है तो वो इनकम टैक्स भी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। अमूमन कस्टम ड्यूटी जो है वो कॉस्ट में ऐड होती है क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट या रिफंड नहीं मिल रहा होता। तो ये भी चीज नोट करने वाली है कि कोई, अब आप लोकली भी खरीदेंगे तो कोई भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस अगर आपको एडजस्टमेंट या वापसी की शक्ल में मिलेंगे तो वो कॉस्ट में ऐड नहीं होते, अलग से उसकी एंट्री पास की जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली जब आपकी लायबिलिटी निकलेगी इसने उसके अगेंस्ट एडजस्ट भी होना, तो आपको एडजस्टमेंट वहां मिल जाएगी। ये आपका इंपोर्ट पे कुछ बात हो, और भी है लेकिन मैं अभी आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं डाल रहा, अभी अब मैं सिर्फ इस हद तक रख रहा हूं तो आपकी अकाउंट्स में आपको काफी मदद मिल जाए। अच्छा जी, फिर मेरा पॉइंट है, अगर आप लोन, आपका एम्प्लॉयर कहता है मैंने अवेल करना है तो मुझे बताएं कि मैं क्या क्या काम करूं कि मेरा लोन मिल जाए और उसके बाद उसको मेंटेन करना है। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन है, बैंक 3 चीजों के बगैर आपको पैसे नहीं देगा। सबसे पहले सिक्योरिटी, सिक्योर्ड लोन होगा तो सिक्योरिटी। दूसरा, फिर आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप करते क्या है, ऑब्वियसली लेके पैसे वापस करने कहां से करेंगे। और तीसरा पॉइंट है इसके अंदर कि आप ऑब्वियसली बिजनेस क्या करते हैं, और ऑब्वियसली एज फैक्टर, कई दफा वो एज फैक्टर भी काउंट फॉर कर रहे होते हैं कि पहले मैं देखूं कि इसकी अपनी जरूरतें कितनी है। अगर आप उसे पर्सनल लोन लेने आए हैं तो पता लगे जनाब आपके तो खर्चे ही इतने ज्यादा हैं तो फिर आप तो वापस नहीं कर सकेंगे, तो वो आपको ड्यूरेशन आपका बढ़ा देंगे या लोन हो सकता है आपको ना दें। अगर मुझे ये पता लग जाए कि आप मेरा पैसा वापस नहीं करेंगे तो मैं आपको पैसे कभी नहीं दूंगा, वो उन्होंने पहले चेक करना होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन अपनी जगह पे, फिर आपने ले लिया, जब ले लिया तो आपको फिर रीपेमेंट का पता होना चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म लोन है तो किस्तें होगी, विद मार्कअप होगी, ड्यू डेट का आपको पता होना चाहिए, कब मैंने लोन वापस करना है, कब मेरा मार्कअप वापस होना है। अगर ग्रेस पीरियड है तो ग्रेस पीरियड में मार्कअप तो पड़ता है लेकिन लोन वापस नहीं होता। अमूमन लोग जब प्रोजेक्ट लोन लेते हैं उनको 1-2 साल ग्रेस पीरियड दिया जाता है ताकि ये अपनी मशीनरी को इंस्टॉल करके तो प्रोडक्शन करके तो पैसा कमाना शुरू करें। तो पैसा आएगा तो पैसा दूंगा ना मैं आपको, इधर से मशीनरी खरीदी आपको करोड़ रुपया कहाँ से वापस करूंगा। तो इसलिए ग्रेस पीरियड रखा जाता है कि आप अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें, लेकिन मार्कअप पड़ता रहेगा, वो अपने दिन है, इसको ग्रेस पीरियड कहा जाता है। ये आपको लोन्स के अंदर मिलेगा, ये जरूरी नहीं कि हर जगह पे हो, कभी कभी आप ग्रेस पीरियड नहीं लेते, आप कहते जी मेरी किस्त से आप शुरू कर दे, मैं दे दूंगा आपको, रनिंग फाइनेंस में मूवमेंट ऐसे होता है। ले जी, फिर मेरे पास आ गया टैक्सेस की, आपका एम्प्लॉयर आप ये कहता है आपसे या इंटरव्यू में या वैसे पूछ लेते हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि पूरे साल में मुझे मोटा मोटा क्या काम है जो मुझे करवाना, कैसे वो तो मैं कराऊंगा लेकिन क्या करवाना है ये आप मुझे बताओ। पूरा साल अगर एक इदारा चलता है तो मुझे एफबीआर की कौन कौन सी कंप्लायंसेस करनी है, रेगुलर बेसिस पे या इरेगुलर बेसिस पे, जो भी मेरा साल की मेरी ऑब्लिगेशंस क्या है जो मैंने डिस्चार्ज करनी है। अब देखिए, बड़ा 4-5 मोटी मोटी चीजें हैं जो आपको पता होना लाजमी है। पहली बात तो ये है, ऑब्वियसली आप अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर टैक्स पर्पजेस के लिए उन्होंने मांगनी है आपसे, भाई आप अपने ना अकाउंट्स लेकर आए, उसमें क्या प्रॉफिट या लॉस आपको आया वो दिखाएं हमें, नंबर वन। नंबर टू, जहां आपको विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स आपने जमा करानी है क्वार्टरली बेस पे, हर क्वार्टर के 20 दिन अगले में, यानी अगर फर्ज करें पहला क्वार्टर है जुलाई टू सितंबर, तो आपको 20 अक्टूबर तक आपको क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट जमा करानी है। इसी तरह हर क्वार्टर के एंड पे अगले 20 तारीख तक आपको विदहोल्डिंग स्टेटमेंट जमा करानी, कौन सी,
जो दूसरों का टैक्स आपने काटना है जहां एप्लीकेबल है, जैसे तनख्वाह पे है, आप गुड सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट पेमेंट करते हैं, अगर आप इन होल्डिंग एजेंट हैं तो उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। दो बातें होंगी। तीसरा, फिर आपको एडवांस टैक्स भी जमा कराना होता है जहां लॉ कहता है इसको, ये हमारा सेक्शन है 147, उसमें आप एडवांस टैक्स जमा करवाते हैं, ये भी आपका क्वार्टरली बेस पे है। यानी जो रिटर्न के अंदर आपका टैक्स बनता है वो आपने रिटर्न फाइल करने से पहले जमा करा देना होता है, और अगर आप जमा नहीं करवाएंगे तो 12% पर एनम के हिसाब से आपको डिफॉल्ट सरचार्ज पड़ेगा। तो एडवांस टैक्स भी जहां एप्लीकेबल है वो आप जमा करवाएंगे। फिर आपने सेल टैक्स की अमूमन मंथली रिटर्न्स हैं वो फाइल करनी है, क्वार्टरली है विद होल्डिंग इनकम टैक्स की और सेल टैक्स की मंथली है, चाहे वो पीआरए की है, प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी की है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की, या आपकी एफबीआर की है, तो वो जनरली कुछ लोगों को अब ज्यादा मंथली ही है जो सेल टैक्स की रिटर्न्स जमा होती है। देखिए, गुड्स पे सेल टैक्स की पावर एफबीआर के पास है और सर्विसेज पे जो सेल टैक्स की पावर है वो सूबों के पास है, वो रिस्पेक्टिव प्रोविंस के पास है, उसने सर्विसेज पे लेना है। अब हम लोग सर्विसेज देते हैं तो पीआरए हमसे 5% सेल टैक्स जो है वो लेता है, कि चार्ज करके आपने हमें जमा करवाना। सो अच्छा, एक हो गया। अच्छा, फिर आपने साल के बाद अपनी अपनी और मेंबर या डायरेक्टर जो भी हैं उनकी रिटर्न्स फाइल करनी है। एक हो गया ड्यूरिंग द पीरियड, एक होता है पीरियड के बाद। सो रिटर्न आपने फाइल करनी है अपनी अपनी, अगर आप कंपनी है तो अपनी, और फिर डायरेक्टर्स की भी साथ जाएगी, अगर एओपी है तो एओपी की अलग और मेंबर्स की अलग, अगर आपका सोल पार्टनरशिप है तो फिर उसकी रिटर्न। साल के बाद अगर आप सोल पार्टनरशिप है, एक बंदा मालिक है या मेंबर्स हैं, डायरेक्टर है या पार्टनर है, तो उनकी वेल्थ स्टेटमेंट भी साथ रेजिडेंट बंदों की फाइल होनी है इनकम टैक्स रिटर्न के साथ। सो साल के बाद इनकम टैक्स रिटर्न जानी है, क्वार्टरली बेसिस पे एडवांस टैक्स है, मंथली बेसिस पे सेल टैक्स रिटर्न है। अब रहेगी बात चौथी, एक और एडवांस टैक्स भी आ गया। अब आपने जो टैक्सेस काटने हैं वो जब आपने पेमेंट करनी है, आपने टैक्स काटना है जहां एप्लीकेबल, और काट के आपने स्टेट को जमा करवाना है, और जमा कब करवाना है, जिस वीक में आप काटेंगे उसके अगले वीकेंड तक आपको रात 12 बजे तक, संडे रात 12 बजे तक आपको जमा कराना होता है। इसको वो फोर्ट नाइटली बेसिस कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आपको 15 दिन मिलेंगे और कम से कम आपको 8 दिन मिलेंगे। यानी अगर संडे को मैं रात 12 बजे से पहले टैक्स काटता हूँ तो अगले संडे रात 12 बजे तक मुझे जमा कराना है। अब संडे को बैंक तो नहीं खुलता, लेकिन चूंकि ऑनलाइन की फैसिलिटी होती है, आप कराना चाहें तो आप लिया हुआ है तो आप करा दें। तो ये कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन थी जो आज के कुछ क्वेश्चन से, जो 10 मैंने कोशिश की कि आपके साथ चीज़ें शेयर की जाए। फिर भी अगर आप कोई इस दौरान में कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें, या आप एक एक करके मुझे इसको थोड़ा थोड़ा मुझे रिपीट कर दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। पहले तो आप सवाल अगर कुछ पूछना चाहें तो बहुत अच्छा है, आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, आप कोई चीज़ पूछना चाहें तो आप पूछ सकती हैं। सर, आपने एंट्री की थी सेल्स टैक्स की, वो दोबारा से बता, वो मैं बता देता हूँ। देखिए, जब आप पहले तो आप खरीदेंगे तो बेचेंगे ना, ठीक है, तो परचेजिंग डेबिट होगा, सेल टैक्स रिसीवेबल डेबिट होगा, अगर आप फाइनल कंज्यूमर नहीं है तो। अगर आप फाइनल कंज्यूमर है तो परचेजिंग टू पार्टी है, 17% सेल टैक्स स्टैंडर्ड रेट 17 है, कुछ चीजों पे 0% सेल टैक्स है, कुछ चीजों पे रिड्यूस्ड है, कुछ एग्जेम्प्ट है। तो पहले आपने ये चेक करना है कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं वो टैक्सेबल सप्लाईज में आता भी है कि नहीं। जैसे जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो जीरो रेटेड में कवर्ड है, सेल्स के ऊपर आप सेल टैक्स नहीं चार्ज करेंगे, ठीक हो गया, और जो इनपुट होगा उसका रिफंड आप क्लेम करेंगे। अगर आपका टैक्सेबल है तो फिर इनपुट और आउटपुट का जो फर्क होगा वो आपको जमा कराना पड़ेगा, अगर जमा कराना पड़ा तो, ठीक है, ये बात अपनी जगह पे है। अब आपका इनपुट अलग रहेगा और आउटपुट अलग रहेगा। आउटपुट वो है जो आपने लोगों से लेके स्टेट को देना है, और इनपुट वो है जो आपने दूसरे को दिया है, जिसने आगे स्टेट को जमा कराना है या जो भी एडजस्टमेंट उसने क्लेम करनी है। आपका मिस कोई और सवाल है? नहीं सर, क्लियर है पूरा। मिस आपका कोई सवाल है? क्लियर है। हाँ जी मिस, आपका कोई सवाल है? अच्छा, अब आपको जो समझ आई है मोटा मोटा, रफली जो आप है, थोड़ा थोड़ा अगर बात कर देंगे तो इसी वक्त ही रिपीट होकर ये खत्म हो जाएगा, बाकी आप घर जाके तो पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा, उसका एडवांटेज तो सबको ही होना है, आपको भी हो जाएगा। जी जनाब, कहाँ से शुरू करें?
मिस आपसे शुरू करें, नहीं थोड़ा थोड़ा जी सर। हाँ सर, जिस तरह से आपने बताया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स जो है वो हम जो है कौन बनाता है, कब बनता है और कैसे बनता है, बिल्कुल ठीक। तो इसका पहला पॉइंट आपने बताया कि ये क्लाइंट्स ऑफ द टैक्स पेयर बनाते हैं, बैंक भी खुद भी बनाता है, हम भी बना सकते हैं। उसके अलावा आपने बताया कि किसी वक्त भी ये बनाया जा सकता है, और इसके अलावा आपने बताया कि जो हमारा बैलेंस है वो टैली करना चाहिए, कैश बुक बनानी है तो उसको एडजस्ट करना चाहिए, ये चीजें आपने इसमें बताई। उसके अलावा आपने बताया सेल्स टैक्स के बारे में जी। ये इसको कंज्यूमर टैक्स भी कहा जाता है और कंजम्पशन टैक्स भी कहा जाता है, और इसको ट्रीट ऐसे किया जाता है कि इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसके दो मेथड्स हैं, इनपुट टैक्स है और आउटपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स वो होता है जब आप खरीदें और सेल्स टैक्स जमा करवाया आपने, करवा दिया तो वो इनपुट टैक्स है, जो दूसरे को दिया वो इनपुट टैक्स है। और इसकी एंट्री ये होगी कि परचेज इज डेबिट, सेल्स रिसीवेबल भी डेबिट हो जाएगा, सेल्स टैक्स रिसीवेबल, हां सेल्स टैक्स रिसीवेबल, और उसके अलावा बैंक या कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया। हां जी, कुछ क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात कर लें, वो तो कर लेंगी आप, कैसे कैलकुलेट किया? ये परपेचुअल पीरियडिकल दोनों का दिया देखा जाता है, वो टैली नहीं करता, लेकिन ये कि जब हम उसको परपेचुअल पीरियडिक दोनों को देखेंगे, मींस हम लोग अगर स्टॉक जो है वो कम होता है जो हम दोनों टैली नहीं करता, टैली उस वक्त टैली करने की रीजन ये होती है कि हम लोग कुछ बेचा होता रहता है, कुछ नहीं बेचा होता, तो वो जब पीरियडिक और परपेचुअल दोनों देखते हैं कि कितना स्टॉक रह गया है, फिर हमें पता चलता है कि कितना डिफरेंस है। तो क्या करेंगे फिर, परपेचुअल में टैली हो जाएगा फिर दोनों को, उसको फिजिकली जब देखेंगे तो फिर वो होगा मैच करेंगे। हाँ जी, फिर मैच करेंगे। तो क्या हर केस में ये मैच करेगा? नहीं, कर भी सकता नहीं भी कर सकता, नहीं भी कर सकता, नहीं भी और कर अगर सकता। नहीं करता तो फिर क्या करेंगी आप? फर्क आ गया उसको ट्रेस करेंगी, दूर करना है ना। अब या बुक्स वाला गलत है या फिजिकल गलत है, या हो सकता है दोनों ही गलत हो, तो आपको सही वाले स्टॉक पे पहुंचना। यार एक्चुअल मेरा कितना, मेरे पास पड़ा कितना हुआ है, मेरा बनता कितना है, वो बताएं मुझे, इसको क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। और क्या वो जादू थोड़ी है जो आपको समझ रहा है? तो पर जो प्रायोरिटी है उसमें सिर्फ फिजिकल स्टॉक टेक होता है, बुक्स वाला हम नहीं कैलकुलेट कर रहे होते, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। डबल एंट्री में तो स्टॉक टेक के बगैर कुछ लोग स्टॉक टेक करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन आपको तो चेक एंड बैलेंस रख रही है ना कि कितना आया और कितना गया। ये नहीं कि खाली सिर्फ कागज काले हो रहे हैं, ये बात नहीं है, पता होना चाहिए कि यार ये ना कि अगले का चोरी करके बदला भाग जाए, लैपटॉप दो गायब हो जाए, आप ना चेक एंड बैलेंस रखें तो क्या पता लगेगा? वो तो कहेगा भाई मेरा प्रॉफिट तो सही आ रहा है, लेकिन क्वांटिटेटिवली आप आउट हुए हैं, दो लैपटॉप आपको पता लगा लाखों का प्रॉफिट आ गया, खाली प्रॉफिट नहीं होता, उसको देखना होता है कि ये रियल भी है कि नहीं। वैसे तो ट्रायल बैलेंस भी टैली होता है, बैलेंस शीट भी टैली होती है, तो चेक एंड बैलेंस आउट कर दे क्या, वो अपनी जगह पर रहेगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वॉचर्स को आपने विदाउट अप्रूवल के नहीं डालना, उसको चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजमेंट या ऑथराइज पर्सन उसको साइन करेगा। उसमें तीन चीजें होती है, प्रिपेयर्ड बाय, चेक्ड बाय, अप्रूव्ड बाय। तो आपने ये जहां जहां जरूरत है आपने उनसे अप्रूवल लेनी है कि सर ये बिजली का बिल आ गया है, ये परचेज की है, इसको जरा हमने देख लिया, वेरीफाई कर लिया, अमाउंट टैली कर ली है, आप इसको ना क्लियर कर दें। एक और बात, हमेशा जब आपके पास सपोर्टिंग आए तो कभी कभी थर्ड पार्टी से कंफर्म भी कर लिया करें। एक बंदा अगर खुद ही एक फेक डॉक्यूमेंट ला के आपको दे देता है तो जरूरी तो नहीं कि चीज इतने की परचेज हुई है, तो मार्केट से भी कंपेयर करें उसको कि सर ये तो ये बता रहे हैं कि 1000 पर यूनिट है, मैंने फोन किया तो वो तो कह रहे हैं जी आपको 800 पर यूनिट में मिल जाएगा वही चीज, तो ये बिल ज्यादा क्यों लग रहा है मुझे। तो चेक एंड बैलेंस भी रखना चीजों पे, ये नहीं कि लकीर का फकीर जो दिया आपने वो डिटो कॉपी छापे पे छापा मारी जा रहे हैं आप, इस तरह नहीं है। आप मैंने क्या कहा था आपको कि फाइनेंस डिपार्टमेंट दुनिया का सबसे खतरनाक डिपार्टमेंट होता है, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। अब पैसा कोई ना कोई तो लेके जाएगा, या आप लेके जाएंगे या दूसरा लेके जाएगा, और पैसे का लॉस आपको पता है कोई बंदा बर्दाश्त नहीं करता, वो कहता जी खा गए, लूट गए, ले गए सानू। एक मिनट में बंदे की क्रेडिबिलिटी या बन जाती है, या बनती तो खैर इतनी नहीं, लेकिन हाँ अगर आप प्रोटेक्शन रखेंगे तो बनती भी है और खराब भी बड़ी खराब बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। अच्छा चल, स्टॉक भी हो गया,
अब अकाउंट्स बनाने हैं मिस, क्या करें मिस साहब, अकाउंट्स आपने बनाने हैं मंथली, तो आप किन किन चीज़ों को जेहन में रखेंगे बनाते वक्त? आपके एम्प्लॉयर ने कहा भाई मुझे मंथली अकाउंट्स बना के दो, तो क्या करेंगे? मंथली अकाउंट्स बनाने के लिए मुझे बैंक्स के बैलेंस को देखना पड़ेगा, पार्टी वाइज तमाम के तमाम चेक करने पड़ेंगे, इसके अलावा स्टॉक को देखना पड़ेगा। एक सिंपल सा जवाब दूं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ये सबसे बड़ा जवाब है। हर चीज को आपने एंटर करना है, सेल परचेज एक्सपेंसेस बैंक अप्रूवल्स लोन्स रिसीवेबल पेएबल ठीक है फिक्स एसेट्स ओपनिंग बैलेंसेस, ये भी जरा ध्यान में रखो। हर चीज जो है वो अंदर आएगी तो तब जाके रिजल्ट बाहर आएगा, क्योंकि अगर आप कोई चीज स्किप कर देते हैं, आपने फिक्स एसेट लिए ही नहीं तो डेफिसिट किस पे लेंगे आप? आपका बिजनेस चल कैसे रहा है भाई? ऑफिस में चेयर भी नहीं पड़ी हुई, किधर गया सब कुछ? तो उस बिजनेस की जितनी मेन चीजें हैं वो सारी कवर्ड होनी चाहिए। अच्छा, फिर एक और मैं आपको अच्छी चीज बताता चलूं, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करना पड़ जाए तो कुछ परचेजेस की ट्रेल होती है, आप कोटेशन लेंगे फिर उसको अप्रूव करेंगे, हाँ जी वो वाली पार्टी परचेज भेजे, आप उसको कहेंगे जी भेजेंगे चीजें, वो चीजें जब आएंगी तो आपको वो डिलीवरी चलान आएगा, इनवाइस के साथ आएगा, डिटेल के साथ आएगा, माल आपके फैक्ट्री के अंदर प्रेमिसेस गेट पे खड़ा हो गया, फिर गेट कीपर आपका गेट पास बनाएगा, गेट पास बना के इंस्पेक्शन होगी, चेक करके वेरीफाइबल है ठीक है, नहीं तो वापस कर दो, वो चला जाएगा स्टोर में। स्टोर वाला क्या करेगा, दो चीजें वो मेंटेन करता है, एक स्टोर लेजर कार्ड बनाता है और दूसरा उसको कहते हैं हम बिन कार्ड। बिन कार्ड होता है चीजों के ऊपर लगा होता है, आपको देखते ही पता लगेगा, उसमें सिर्फ लिखा होता है इतना इन हुआ इतना आउट हुआ, डेट इन और आउट और क्लोजिंग बैलेंस, बस क्वांटिटेटिव होता है। अगर आप देखना चाहें इसमें जनाब बॉल पॉइंट्स कितने हैं तो लिखा होगा जी ओपनिंग ये 10 थे, परचेज हुए 5, इशू हुए 5, बाकी पड़े हुए, तो आप काउंट कर सकते हैं, फौरन ही आपको पता लग जाएगा। दूसरा क्या है कि पिन कार्ड मैनुअल या मशीन में बनाया होता है, वहां जाके जो स्टोर लेजर कार्ड है जो आप लोगों ने बुक्स में बनाए भी हैं, जिसमें डेट फिर आपका ओपनिंग रिसीव्ड और इशूड और क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, ओपनिंग आपका रिसीव्ड भी आ जाता है, सो रिसीव्ड इशूड और बैलेंस। लेकिन अब स्टोर लेजर कार्ड के 3 कॉलम होंगे, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट इशू की, इसी तरह एंड पे क्लोजिंग क्वांटिटी रेट और अमाउंट, तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस रेट पे इन हुआ किस रेट पे आउट हुआ, क्योंकि आउट तो कॉस्ट से ही होना ना, उसने वहाँ सेल प्राइस तो होती नहीं है, क्योंकि सेल तो सेल में होगी, तो ये आपकी क्वांटिटेटिव रिकंसिलेशन भी बनेगी, आप उसको टैली कर सकते हैं। और स्टॉक टेक में हमेशा आपको एक लिस्ट बना के देंगे, अगर आपको इंटरनल ऑडिटर के तौर पे या स्टॉक टेक करना पड़ गया तो लिस्ट एक बन जाएगी कि जी इतना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ, उसकी आप लिस्ट बना ले। अच्छा, उस डेट का कैश और बैंक बैलेंस भी चेक कर लेना, वो भी स्टॉक टेकिंग में लोग रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब तो फिक्स एसेट्स की भी हो जाती है, लेकिन ये 3 चीज़ें तो लाजमी है कि फिजिकल स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, कैश और बैंक बैलेंस क्या पड़े हुए हैं, उसकी एक लिस्ट बना के आपके पास आ जाती है कि जी ये मेरे पास पड़ा हुआ है, फिर आप उसको लेजर के साथ अपने जो बुक्स है उसके साथ टैली करते हैं, टैली करके आपको पता लग जाता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी आप सिर्फ टैली कर लें, तो हो सकता है दोनों तरफ को गलती हुई हो, टैली होना एंड रिजल्ट नहीं होता। अगर अगर आपका फर्ज करें एक बात है, आपने एक पार्टी से चेक लिया, बैंक रिकंसिलिएशन की बात कर लेते हैं, मैंने चेक लिया, अब गौर से सुन लो, मैं स्किप कर गया, मैं चेक स्किप कर गया, ड्रॉ में डाल गया, डिपॉजिट स्लिप भी बनी हुई है, मैं भूल गया, मैंने कहा अच्छा मैं जमा कराता हूं, बंदा नहीं था वो आएगा, महीना गुजर गया, ना डेबिट ना क्रेडिट, बैंक तो टैली है, बट वो मेरा जो जो पार्टी से मुझे बैलेंस आया हुआ है वो मेरा कम कर चुका होगा। जब मैं पार्टी को कहूंगा भाई मुझे पैसे दो, 10 लाख मैंने मांगा, तो उसने कहा जी वो तो मैं चेक दे चुका हूँ आपको, मैंने कहा दिया तो मेरे अकाउंट में क्यों नहीं आया, उसने कहा जी फिर रिकॉर्ड चेक करें आप, मैं आपको कॉपी देता हूँ, उसने मुझे व्हाट्सएप किया, मैंने कहा यार ये तो महीने पहले का चेक है, तो मैंने पूछा भाई इसकी डिपॉजिट स्लिप किधर है, वो मिली नहीं रही, तो फिर चेक किधर गया भाई, फिर मैं ट्रेस किया, पता लगा कि वो ड्रॉ में पड़ा हुआ है, बैलेंस तो टैली था, टैली था ना। इसी तरह आपने एक चेक इशू कर दिया, फर्ज करो आपने एंट्री नहीं डाली, स्किप कर गया, अच्छा मैं डाल देता हूँ, नोट कर लिया 10 लाख का चेक मैंने इशू कर दिया,
ठीक है, बंदा ले भी गया एक बात है, अच्छा उसने भी स्किप कर दिया, वो भी ड्रॉ में जाके उसने रख दिया, अब बैलेंस तो फिर भी टैली है, लेकिन एक्चुअली तो मेरी तरफ से 10 लाख उसको चला गया है, हाँ निकला नहीं वहां से, फिर जब टैली हुआ तो अच्छा मैंने बाद में फर्ज करो महीने बाद एंटर कर लिया, पहले महीने में तो बैलेंस आउट हो गया, ठीक है पहले में तो टैली था, अगले महीने में आउट हो गया, तो मैंने कहा यार आपको 10 लाख दिया था वो किधर गया, उसने कहा जी मुझे तो नहीं मिला 10 लाख आपका किधर है, फिर मैंने उसको कॉपी भेजी, उसने चेक किया, उसने कहा ओहो वो तो मैंने तो जमा ही नहीं कराया जनाब, तो ऐसे भी हो जाता है, फिर आपके पास डायरेक्टली कोई पैसे आपके अकाउंट में जमा करा देता है, उधर आए होते आपको नहीं पता, दोबारा डिफरेंसेस सारे, ये जरूरी नहीं कि टैली हो तो हर चीज ठीक है, उस पर उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना वो ऑब्वियसली जब इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैशियर इसलिए रखे जाते हैं वो चीजों पे चेक एंड बैलेंस रखे। मैंने आपको इनवाइस दी 5 लाख रुपए की, बंदे ने उसको फाड़ के नहीं 10 लाख की बना दी, पैसे ले गया वो आपसे, तो आपको चाहिए था ना कि थर्ड पार्टी से वेरीफाई करते हैं कि भाई ये तुम्हारा बिल इतने का ही है, और ठीक है दूसरी बात कोशिश करें क्रॉस चेक में पेमेंट करें ताकि भागने के चांसेस कम हो। तो अब मसला क्या है, मैं किस तरफ लाना चाह रहा हूं, कई दफा जो चीज नजर आ रही होती है वो ऐसे होती नहीं है, ब्लाइंड फेथ नहीं करना उसको भी, ऑडिटर आप एज एट ए क्रिटिकल एनालिसिस के तौर पे उसको चेक करना कि यार ये इतने का है भी कि नहीं, वरना कोई कुछ भी आपको बना के दे देगा, और लोग बनवाते भी है, ये मैं आपको बताता चलूं, जो लोग चोरियां छकारियां करते हैं या मिले होते हैं वो पार्टी कहती है अच्छा जी 10 रुपए की चीज है बिल कितने का बनाना है, वो आपको 50 रुपए का बिल बना के दे देगा, क्यों, ताकि ये कल को हमेशा मेरे पास ही आए और मुझसे ही खरीदे और मुझे भी कुछ कमीशन देता रहे, तो मिल जाते हैं आपस में लोग, तो मार्केट से भी रेट को वेरीफाई किया जाता है कि ये मैच भी करता है कि नहीं, और रिसीवेबल पेएबल पड़े नहीं रहने देने पार्टी से, रास्ता गाहे बगाहे विद दी अप्रूवल ऑफ दी मैनेजमेंट के साथ, ये जरा चेक एंड बैलेंस के लिए पार्टी के साथ भी टैली कर लिया करें, ठीक है पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी लेजर में कुछ या आपस में ट्रांजेक्शन को या रेट्स को भी वेरीफाई करना चाहिए ताकि पता हो कि ये ना कि एक के पीछे लग गए आप, मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन चेक एंड बैलेंस रखना फाइनेंस का फील्ड है ना जी, सीधी सी बात है, अब कोई ना कोई तो फायदा लेके जाएगा, सीधी सी बात है जी। जनाब ये भी हो गया आपका, अच्छा जी फिर मेरे पास है कह सकती, बजट असल में ना खर्चा करने से पहले बनाया जाता है, अच्छा। वो तो पहले बनता है ना, आपने कहा जी, आपने कहा मैंने एक प्रोजेक्ट बनाना है जी। तो क्या करेंगी आप, पहले बने या जैसे बच्चों की जब शादी की जाती है तो एक लिस्ट बनती है कि जनाब आपके खर्चे कौन कौन से होने हैं, तो बिजनेस वाले भी यही करते हैं कि जनाब आपको बंदे रखने पड़ेंगे, यूटिलिटी के कनेक्शन होंगे, ये खर्चे पड़ेंगे, ये करने के बाद सैलरीज है, लोन भी हो सकता लेना पड़ जाए, वो सारा एक बजट बनाया जाता है, ठीक है बजट से फिर एक्चुअल आता है, फिर उसको कंपेयर करते हैं कि जो मैंने सोचा था तो क्या डाटा रियल उससे मैच करता है कि नहीं, और अगर वेरिएशन बहुत सब्सटेंशियल है तो आप चेक करते हैं यार किधर मेरा तो वो प्रॉफिट ही नहीं आया जो मैंने सोचा था, ज्यादा हो गया तो चुप कर देगा, अच्छी बात है, कम हो गया तो कहेगा यार कम क्यों हो गया, कहां वेयर वी वेंट रॉन्ग, सेल कम हो गई है कॉस्ट बढ़ गई है, ये दोनों में कोई मसला हो गया, तो वो बजट इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको पता चल सके, और फिजिबिलिटी इसलिए बनाई जाती है कि यार पॉसिबल भी है कि नहीं, ठीक है, और फिजिबिलिटी में आप इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टैक्सेस, वो हर साल बाद बदल जाते हैं, तो आप 5 साल की फिजिबिलिटी कैसे बनाएंगे जब अगले रेट्स का ही नहीं आपको पता, उसका भी इम्पैक्ट है, फिर कॉस्ट ऑफ जो लिविंग है या कॉस्ट ऑफ जो आइटम्स है पता नहीं किधर की किधर चली जाए जी। फिर आगे जी, हमें एक साल में इंपोर्ट में कौन बात करना चाहेगा आपसे, आप में से कोई, आप में से है क्या सर, इंपोर्ट को आपने 3 चीजों में डिवाइड किया है, पहले आपने परचेस प्राइस पे किया है, उसके बाद जो है वो ड्यूटीज पे अपीयरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, और फोर्थ में आपने बताया था कि इंस्टॉलेशन वाले जो चार्ज अगर होंगे तो अब आप ऐड किस-किस को करेंगी सर, इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू कैसे निकालनी है, सबसे पहले हमने देखना है, कुछ होते हैं डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है और कुछ होते हैं जो एसेट जो असेस्ड वैल्यू होती है, अब कोई हमारे पास आया है वो हमें कहता है कि असेस्ड वैल्यू जो है वो इसकी जो डिक्लेयर उसने की है वो 10 लाख की है, और जो उसके असेस्ड जब हमने किया
तो वो मार्केट से पता वो कस्टम वाले करते हैं, हम नहीं करते, वो लिखी होगी वैल्यू तो उसके ऊपर फिर हम लोगों ने जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस देने हैं। तो जब आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगी तो किस किस को ऐड करेंगे, 10 लाख जो पे किया उसको, और 30 लाख पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस 12 लाख वाले, उसके बाद क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग के एक्चुअल बिल, और एंड पे फिर आपका अगर आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी तो अगर वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन इस सारे इशू में आपने असेस वैल्यू को यहाँ नहीं लेके आना, आपकी पेड वैल्यू जो आएगी वो आएगी ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और वो वाले कौन से टैक्सेस आप कॉस्ट में ऐड नहीं करते, कौन से ड्यूटीज एंड टैक्सेस को एडजस्टेबल हो तो उसको कॉस्ट में ऐड नहीं करते। देखे ना, आपने एक चीज खरीदी, मैंने आपको दो मिसालें दी थी, फर्ज करें मिस आप गाड़ी खरीदती है, अल्लाह करे आपके पास पैसे आए तरह, आप 0 मीटर गाड़ी निकालें, उस पर 17% सेल टैक्स लगा हुआ है। 10 लाख की अगर गाड़ी है आपको 11,70,000 रुपए की मिलेगी, तो वो जो सेल टैक्स आपने दिया है वो किधर जाएगा, वो कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। आप गाड़ी 11,70,000 की बुक करेंगी क्योंकि आपको सेल टैक्स की एडजस्टमेंट या रिफंड नहीं मिलना। अगर आप ये गाड़ी खरीद के बेच रही होती, बड़ा अच्छा सवाल है, एक आपने रख ली बाकी आप खरीद के बेच रही हैं, अब आपका इनपुट जो आएगा वो 1,70,000 आ जाएगा, आ गया, फिर जब आप आगे बेचेंगी वो आप फिर लोगों से पैसे लेंगी, तो देखना पड़ेगा कि पहले आपने पैसे ज्यादा लिए थे। अच्छा, ये भी हो सकता है आप लॉस पे बेच रही हो चीज, क्वाइट पॉसिबल है, वो तो फिर इनपुट ज्यादा हो जाएगा मेरा, ठीक है, उस पे फिर एक अलग सेशन हम करेंगे वो कैसे उसको लेता है। उसके बाद लोन का किया था हमने, हां जी लोन के बारे में बात करें, सिक्योरिटी वो चेक करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं, एज फैक्टर देखते हैं, फिर लोन कौन सा बिजनेस है, या देखिए दो होते हैं कंज्यूमर लोन और बिजनेस लोन, बैंक में दो सेक्टर बने होते हैं, वो कहते हैं जी कौन सा लोन चाहिए, कमर्शियल या पर्सनल, अगर पर्सनल चाहिए तो पर्सनल वाला डिपार्टमेंट अलग है, कमर्शियल चाहिए तो कमर्शियल वाला अलग है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन बहरहाल दोनों में होनी है, जो करके तो वो आपको पैसे देते हैं। फिर आपने मार्कअप देखना है क्या रेट है, फिर आपने बैंक्स में ये देखना है मार्कअप सबसे कम कौन देता है, रियल मार्कअप कौन चार्ज करता है, देखना एक बैंक करता है 18, दूसरा करता है 17, तो मुझे 17 वाले में फायदा है, ठीक है। और आखिरी था इसके अंदर कि आपने पूरे साल में टैक्स की कंप्लायंस मिस कौन कौन सी कर रही है। हाँ जी, ये तो आसान है, अकाउंट्स मेंटेन करने हैं फॉर टैक्स पर्पस के लिए हमने, इसके अलावा विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स हमने जहां एप्लीकेबल है, हां जी सही, जहां पे एप्लीकेबल है, इसके अलावा हमने एडवांस टैक्सेस सबमिट करवाने हैं, वो भी क्वार्टरली करवाएंगे, और अगर तो हम एडवांस टैक्सेस क्वार्टरली सबमिट कराने में फेल हो जाते हैं, नहीं करवा सकते, तब हमें 12% डिफॉल्ट पर एनम के हिसाब से चार्ज होगा। इसके अलावा मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न हमें फाइल करनी है, गुड्स के केस में हमें FDI को और सर्विसेज के केस में PIA के। अभी कुछ एक और ऐड कर ले इसके अंदर ना, अभी भी कुछ गुड्स और सर्विसेज ऐसी हैं जिसपे फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, और वो है FBR के पास, जैसे टेली कम्युनिकेशन है ना, इस पे FED लगी हुई है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, वो सर्विसेज अब अभी भी कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के पास है, और गुड्स तो ऑब्वियसली सेल टैक्स या FED की शक्ल में वो बोर्ड के पास ही रहती है, तो ये अब लेकिन अल्टीमेटली क्या होना है, जो सारी जो सर्विसेज है उन्होंने पास ऑन होना है, वो सूबों के पास ही जाना है। अब एयर ट्रेवलिंग आपकी जो है वो उस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, मैंने कहा ना लिस्ट एक बनी हुई है, जैसे सीमेंट है आपका, अल्लाह आपका भला करे, आपके कैरी जो गुड्स वाला है, उसके अलावा एक तीसरा आपका जो है, ये आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स आपके जो है, ये सारे इनके ऊपर जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, इनके ऊपर वो सेल टैक्स नहीं एप्लीकेबल, लेकिन दोनों में से कोई एक उन्होंने आपको चार्ज कर रहा है। So, इसका मतलब है गुड्स मेनली चली गई FBR के पास और सर्विसेज चली गई सूबों के पास। अब आखिरी पॉइंट, हर सूबे की सेल टैक्स रिटर्न अलग है। अगर मैं KPK में काम कर रहा हूं, मैं KPK को सेल टैक्स की रिटर्न अलग दूंगा, सूबे को सेल टैक्स जो मैंने देना है, पंजाब में अलग दूंगा, सिंध में अलग दूंगा, ठीक है, और बलोचिस्तान में मैं अलग जो है वो फाइल कर रहा हूँ। सो ये आपके नॉलेज पर्पस के लिए था।
अब कोई चीज अगर रहती है तो शेयर कर लो, वरना इसको क्लोज करते हैं। मुझे ठीक हो गया। अब आप इसकी जरा होमवर्क कीजिएगा, वीडियो आपके पास होगी, कोई चीज आगे पीछे होगी तो वीडियो को देख लीजिएगा, पॉइंट्स नोट कीजिएगा, और कल जब आप आएंगी तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो पहले कर लीजिएगा, उसके बाद फिर नई चीजें और जो है इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे। तो टाइम हमारा तकरीबन हो गया जी, ठीक है, इसको इंशाल्लाह ताला फिर आगे देखेंगे। अब इसको क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज़।